दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में हंगामा, सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में स्पीकर ने सांसदों को चेताया, वेल में ना आने पाए कोई सांसद। सांसदों से बोले लोकसभा स्पीकर, हंगामा करोगे तो पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए जाओ। विपक्षी सांसदों ने सदन में लहराए प्लेकार्ड, स्पीकर ने कहा ऐसे ही चलाना चाहते हैं क्या संसद। राज्यसभा में शुरू होते ही हुआ हंगामा, 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई राज्यसभा। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा भारत माता की जय कहने में क्या दिक्कत। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर बोले प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री को भारत माता की जय कहने में बुआ थी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले पीएम, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। संसद की सुरक्षा में मची अफरा तफरी, गेट नंबर 1 पर बूम बैरियर से टकराई सांसद की कार। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की कार बूम बैरियर से टकराई, अलर्ट हुए सुरक्षाकर्मी। आज प्रधानमंत्री से मिल रहे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हिंसा को लेकर हो सकती है बात। संसद भवन परिसर में दोनों के बीच बैठक, तीसरी बार सीएम बनने के बाद केजरीवाल की पहली मुलाकात। इस रविवार सोशल मीडिया को अलविदा कह सकते हैं पीएम मोदी, ट्विटर पर कहा कर रहे हैं विचार। पीएम ने लिखा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं, आगे देंगे जानकारी। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया को छोड़ने पर राहुल गांधी का कटाक्ष, ट्विटर पर कहा नफरत छोड़िए सोशल मीडिया ने। देश में आए सामने आए कोरोना वायरस के 2 ताजा और तेलंगाना में एक एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि। जयपुर में भी इटली के एक टूरिस्ट में कोरोना वायरस के लक्षण, अंतिम जांच के लिए पुणे भेजा गया सैंपल। कोरोना वायरस पर असम की बीजेपी विधायक सुमन हरिप्रिया का बेतुका बयान, कहा गोबर के इस्तेमाल से कोरोना पर हो सकता है काबू। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा, ट्वीट कर कहा था उन्हें देश विदेश से मिल रही हैं धमकियां। दिल्ली हिंसा और सीए विरोध के नाम पर चल रहे हैं कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गृह मंत्रालय की नजर, साइबर टीम कर रही है निगरानी। आज फिर हो सकती है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक, दिल्ली में मिल सकते हैं ट्रस्ट के सदस्य। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का दावा, 1 से 6 महीने के भीतर कभी भी शुरू हो सकता है निर्माण। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को दी 2800 करोड़ की सौगात, 10 योजनाओं का उद्घाटन और 9 योजनाओं का किया शिलान्यास। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दिल जलाने वाली वारदात, पति पत्नी को निर्वस्त कर बुरी तरह से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। बरेली में धर्मांतरण के आरोप पर बजरंग दल का हंगामा, बीमारी ठीक करने के नाम पर दलित परिवारों को दिया जा रहा है धर्म बदलने का लालच। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।